थोड़ा सा ये इस समय दुर्भाग्य का कारण है कि कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। तो वो बच्चे भी पेरेंट्स लेकर आए दिन आते रहते हैं, जिनको कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उनका उनको जानकारी, सही जानकारी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसका बचाव यही है कि बच्चा एकदम कम रोशनी में ना पढ़े, बीच बीच में हर दो ढाई घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आँखों को रेस्ट दे। एक हम उसको अगर ड्राइनेस वगैरह होती है तो लुब्रिकेंट भी एडवाइस करते हैं, उसको डालने से थोड़ा राहत रहती है। पौष्टिक खाना खाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का योगा एक्सरसाइज करे, तो उससे जो है उसकी दिनचर्या अच्छी बनी रहती है। आँखों के लगभग 30 से लेकर 40 मरीज पर डे आ जा रहे हैं और हर महीने लगभग 10-12 ऑपरेशन, और धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आएगी तो और ऑपरेशन भी बढ़ेंगे। और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, मौसम में नमी के कारण इस समय थोड़ा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो रही है, तो इसलिए मरीजों की संख्या भी थोड़ी बढ़ी है।